नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। इसरो ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग करके इतिहास बनाया है, लेकिन इस मिशन में काम करने वाले कई कर्मचारी वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। चंद्रयान 3 के लॉन्च पैड बनाने वाले इंजीनियर्स को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वे अपना घर रिश्तेदारों से उधार पैसा लेकर चला रहे हैं, यह जानकारी एक न्यूज एजेंसी ने दी है। न्यूज एजेंसी ने बताया कि रांची में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स ने ही इसरो के ऑर्डर पर मोबाइल लॉन्चिंग पैड बनाए हैं। इस कंपनी में करीब 2700 कर्मचारी और 450 अधिकारी काम करते हैं। इसरो ने झारखंड के रांची में स्थित HEC कंपनी को मोबाइल लॉन्चिंग पैड सहित कई उपकरण बनाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन ऑर्डर के हिसाब से भुगतान नहीं किया गया। इसके बावजूद कंपनी ने दिसंबर 2022 में तय समय से पहले इसरो का ऑर्डर पूरा कर दिया था। कर्मचारियों के वेतन से जुड़े मामले को लेकर मई 2023 में फ्रंटलाइन नाम की इंग्लिश वेबसाइट ने खबर चलाई थी। इसमें बताया गया था कि कर्मचारी अपना घर चलाने के लिए प्रोविडेंट फंड का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। कई कर्मचारी रिश्तेदारों से उधार लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बताया है कि HEC कंपनी कई बार मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री से 1,000 करोड़ रुपए के लिए निवेदन कर चुकी है। इस पर मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर सकती। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से शुक्रवार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। LV-M3/M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस में भेजा गया। 16 मिनट बाद चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा। चांद पर इसकी लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:47 पर होगी। इसरो ने 2008 और 2019 में चंद्रयान को चांद पर उतारना चाहा, लेकिन भारत को असफलता मिली। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेस क्राफ्ट उतार चुके हैं। इसरो पर मिशन के तहत चांद में रासायनिक तत्वों, मिट्टी और पानी को लेकर जानकारी जुटाना चाहता है।